नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में बता दिया। ये सिंधु सभ्यता के ही पुरा स्थल हैं, जैसे कि अब मैं आपको लोथल के बारे में बता रहा हूँ। लोथल को मृतकों का टीला भी कहते हैं और मोहनजोदारो को भी मृतकों का टीला कहते हैं। अभी जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वो सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों के बारे में है और इनसे क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं या फिर हमारे इतिहासकारों को यहाँ से क्या क्या साक्ष्य सामग्री मिली और इनसे हमें हमारे इतिहासकारों को क्या क्या चीजें मिली उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। लोथल, लोथल को मृतकों का टीला भी कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात अहमदाबाद। कहाँ पे लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात अहमदाबाद। नदी कौन सी है? भोगवा नदी। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी। कौन से सन में इसको खोजा गया? 1957 में SR राव ने इसकी खोज की। इसमें जगह अहमदाबाद, नदी भोगवा, समय सन 1957 ईस्वी और SR राव ने, ठीक है। अब हम लोथल से हमें और क्या चीजें मिली हैं? लोथल क्या था? पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह, याद रख लेना। इसके बारे में, बंदरगाह के बारे में बहुत सारे सवाल आए, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में। क्या है लोथल? क्या है? बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह है लोथल है, ठीक है। अब लोथल से हमें यहाँ से और क्या क्या चीजें मिली हैं, जैसे कि फारस की मुद्राएं। भाई लोथल में उस समय बंदरगाह था तो व्यापार होता था पश्चिमी, ठीक है, व्यापार होता था और व्यापार होता था तो यहाँ से फारस की मुद्राएं मिली और सीलें, मुद्राएं और सीलें, पके रंग के पात्र यानी पके हुए रंग के पात्र यानी कि कलर नहीं उतरता था, ऐसे पात्र मिले। उत्तर में क्या मिला लोथल के उत्तर में? बाजार। इतिहासकारों को लोथल के उत्तर में क्या मिला? बाजार मिले। और दक्षिण में क्या मिला? औद्योगिक क्षेत्र। प्रश्न हो सकता है कि कौन से पुरा स्थल से औद्योगिक क्षेत्र मिले, तो लोथल से। उत्तर में बाजार कौन से पुरा स्थल से मिला? लोथल से। या फिर उत्तर में बाजार और औद्योगिक क्षेत्र कौन से पुरा स्थल से मिले? लोथल से। या फिर लोथल से हमें क्या क्या चीजें मिली? क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ सकता है वो सारी चीजें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें आप नोट कर लेना, ठीक है। और हमें यहाँ से क्या मिला है इतिहासकारों को? शंख का कार्य करने वाले दस्तकार, यानी शंख का कार्य करने वाले दस्तकार और ताम्र कर्मियों के कारखाने, यानी तांबे का भी काम करने वाले जो कर्मचारी है उनके कारखाने, तांबे बोल सकते हैं, तांबे के कारखाने भी यहाँ से मिले। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, जहाजों की गोदी, जहाजों की गोदी कहाँ से मिली है? लोथल से, यानी कि डॉकयार्ड। लोथल डॉकयार्ड भी था, यानी कि यहाँ पर जहाज निर्माण का कार्य भी होता था पुरातत्व काल में। पूर्वी खंड में क्या है? पकी ईंटों का तालाब। भाई लोथल से हमें और क्या लोथल से हमारे इतिहासकारों को और क्या चीज मिली कि पूर्वी खंड में पकी ईंटों का तालाब, क्या? पकी ईंटों का तालाब। और क्या मिला है यहां से? चालाक लोमड़ी का अंकन। सवाल भाई हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु सभ्यता से बहुत सारे सवाल आते हैं, सवालों में यही सारी चीजें हैं जो घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। भाई चालाक लोमड़ी का अंकन कहां से मिला? लोथल से। कभी आप किसी और चीज पे लगा दो, इसलिए मैं सारी चीजों को तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल केवल लोथल से हमें क्या चीज मिली है, हड़प्पा से क्या चीज मिली है, सिंधु घाटी से क्या मिली, मोहनजोदड़ो से क्या मिली, ठीक है।
और क्या मिला यहां से? घोड़े की लघु मरण मूर्ति। घोड़े की लघु मरण मूर्ति कहां से मिली? लोथल से। ये जो भी चीजें बता रहा हूं बिल्कुल इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। फर्क इतना है, आजकल डिजिटल जमाना है, मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, ठीक है। और क्या मिला यहां से? तीन युगम समाधि, याद करना, तीन युगम समाधि और 1800 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य हैं। लोथल से और क्या मिला? 1800 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य हैं। कहां से मिले? लोथल से। और क्या मिली? तांबे की मोहरें। क्या थी? तांबे की मोहरें और राजमुद्राएं। राजमुद्रक यानी राजमुद्राएं, जो वस्तु विनिमय का आदान और प्रदान इन्हीं के द्वारा होता था। अग्निकुंड, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल यहां से, हाथी दांत का पैमाना। यानी हमें सिंधु सभ्यता से दो चीजें मिली, एक मोहनजोदड़ो से क्या मिला? सीप का बना पैमाना, और लोथल से हमें क्या मिल रहा है? हाथी दांत का पैमाना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। अब देखो सुरकोटदा, सुरकोटदा मैंने इसलिए इस चीज को बताया, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर यही सारी चीजें पूछे भाई, ये भी तो पूछ सकता है कौन से इतिहासकार को मिला, कौन सी सन में मिला भाई, इसकी खोज किसने की। ये भी जरूरी नहीं है कि ऐसे सवाल आए, ये भी सवाल आ सकते हैं। तो इसलिए मैं बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसकी खोज कहाँ है? गुजरात का कच्छ। सुरकोटदा कहाँ है? सुरकोटदा है गुजरात का कच्छ। और इसका खोजकर्ता कौन थे? जगपति जोशी। कौन थे इसके खोजकर्ता? जगपति जोशी। समय कौन सा? 1964 ईस्वी में। यहां से क्या है कि बंदरगाह है, सुरकोटदा बंदरगाह है, ये बंदरगाह था। और यहां से क्या मिला? घोड़े की अस्थियां, यानी कि घोड़े के प्रमाण सुरकोटदा, यानी घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। पूछे गया कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, नोट कर लो। और एक कब्रगाह, इससे ज्यादा इससे अभी तक कुछ पूछा ना गया, और इतिहासकारों को इससे ज्यादा इतिहासकारों ने कुछ बताया भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी चीजें बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।